इंदौर में चल रहे 3 दिवसीय रोड सेफ्टी मैच का आज आखिरी दिन है। आज मैच में काफी ज्यादा दर्शकों के पहुंचने की संभावना है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। शहर में मैच होने के कारण पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा चाक चौबंद हो चुकी है, खास तौर पर जब इंडिया और इंग्लैंड का मैच इंदौर के ऊषा राजे स्टेडियम में खेला जाएगा। इंदौर की धरती पर पहली बार रोड सेफ्टी लीजेंड्स वर्ल्ड सीरीज मुकाबला हुआ है, जहां ऊषा राजे स्टेडियम में चल रहे मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह है। वहीं पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद यह पहला मौका है कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के लिए बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मैच का आज 3रा दिन है, इसको लेकर तमाम व्यवस्थाएं की गयी है। डीसीपी धर्मेंद्र भदौरिया के मुताबिक पुलिस कर्मियों का फोर्स स्टेडियम ग्राउंड के आसपास मौजूद रहेगा, साथ ही सिविल में भी पुलिस तैनात है। क्रिकेट देखने आए क्रिकेट प्रेमियों के वाहनों को लेकर विशेष पार्किंग व्यवस्था की गई है। फिलहाल सीसीटीवी कैमरों से पूरे स्टेडियम मैच ग्राउंड के आसपास निगरानी रखी जाएगी। वहीं क्रिकेट मैच को लेकर कालाबाजारी टिकटों को लेकर फिर पुलिस ने सख्त कार्यवाही करने की बात कही है। सूचना मिलने पर उचित कार्यवाही भी की जाएगी। इसमें लीजेंड इंडिया वर्सेस मैच है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आने की संभावनाएं हैं और टिकट की बिक्री भी ज़्यादा हुई है। पुलिस ने पर्याप्त इंतजाम लगाए हैं, ट्रैफिक की अलग व्यवस्था है, इसके अलावा स्टेडियम के अंदर अलग पुलिस बल लगा हुआ है, सभी जगह चेकिंग और फ्रेस्किंग की जाएगी और निगाह रखी जाएगी, उनके प्राइवेट सिक्योरिटी भी लगी हुई है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंदौर के सभी निवासी शांतिपूर्वक मैच का आनंद लेंगे और पुलिस चाक चौबंद व्यवस्था के साथ इंतजाम करेंगे। गौरतलब है कि आज इंदौर में अंतिम मैच इंडिया और इंग्लैंड के बीच है, जिसको लेकर क्रिकेट प्रेमियों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से स्टेडियम के बाहर काफी बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी जमा हो चुके हैं, इसके साथ ही पुलिस ने भी अपनी चौकसी बढ़ा दी है।